हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज वर्ल्ड। आज का वीडियो एक अनदर इजी एंड क्विक रेसिपी वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग झटपट कढ़ी कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। कढ़ी चावल तो सभी का फेवरेट होता है, लेकिन कढ़ी को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहले पकोड़ा बनाना, उसके बाद कढ़ी बनाना, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रेसिपी है। बट आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कढ़ी बनाएंगे। आज हम लोग ट्रेडिशनल पकोड़ा कढ़ी नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम लोग बूंदी के साथ कढ़ी बनाएंगे। ये कढ़ी खाने में बिल्कुल पकोड़ा कढ़ी जैसी ही लगती है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी काफी इजी है। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बूंदी। यहाँ पर मैंने रायता बूंदी ली है। ये रेडीमेड बनी बनाई बूंदी आती है पैक में, आप कोई से भी ब्रांड की बूंदी ले सकते हैं। एक पैकेट दही, ये करीब 400 ग्राम का पैकेट है दही का। चार छोटे चम्मच बेसन, और हमें चाहिए होगा कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा, मेथी दाना, नमक, हींग और सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डालना ऑप्शनल है, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालना भी ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों को बिल्कुल भी मिर्च नहीं देते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अब हमने जो चार चम्मच बेसन लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसका एक घोल बनाएंगे। घोल में कोई भी गुलतियां या फिर लम्स नहीं होने चाहिए, एक अच्छा सा स्मूथ सा हमें घोल बनाना है। हमारा बेसन का घोल बनकर रेडी है। अब हम इस घोल को दही में मिला देंगे। ये पूरा एक पैकेट दही है। अब हम बेसन के घोल और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें एक ग्लास पानी ऐड कर देंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे और एक घोल सा बना लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, करीब एक चौथाई चम्मच, और इसे भी मिक्स करेंगे। कढ़ी के लिए हमारा घोल बनकर रेडी है। अब हम एक गहरा बर्तन लेंगे, कोई भी आप गहरा बर्तन ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई गहरा बर्तन ना हो तो आप कुकर का यूज भी कर सकते हैं कढ़ी बनाने के लिए। पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, करीब दो चम्मच। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें तड़का लगाएंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 8 से 10 मेथी के दाने डालेंगे। मेथी के दानों को लाल होने दें। मेथी के दाने लाल हो चुके हैं, अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे, एक सूखी लाल मिर्च तोड़ करके डालेंगे, दो चुटकी हींग डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे। और अब हमने जो घोल बनाया था उसको डाल देंगे तड़के में और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक ग्लास पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल दो ग्लास पानी यूज किया है। एक ग्लास पानी मैंने दही को पतला करने के लिए यूज किया था और एक ग्लास पानी मैंने बाद में डाला है। ये मीडियम साइज का ग्लास है। अब बस हमें कढ़ी को पकाना है। सबसे पहले हम कढ़ी में एक उबाल आने देंगे। हम गहरे बर्तन का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि कढ़ी में उबाल आता है, जैसे कि दूध में उबाल आता है उसी तरह से कढ़ी में भी उबाल आता है और कढ़ी भी ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए हमें गहरे बर्तन का यूज करना चाहिए कढ़ी बनाते समय।
आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ रहा है। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और कढ़ी को चलाएंगे जिससे कि कढ़ी बर्तन से बाहर न निकले। अब बस हमें कढ़ी को थोड़ा सा गाढ़ा करना है और इसे पकाना है। गैस को मीडियम आंच पर रखें और अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि हमारी कढ़ी गाढ़ी हो जाए और अच्छे से पक जाए। कढ़ी को बीच बीच में चलाना जरूरी है, अदरवाइज कढ़ी बर्तन से बाहर आ जाएगी और हो सकता है नीचे से जल भी जाए। अभी आप देख सकते हैं कढ़ी एकदम पतली है। कढ़ी धीरे धीरे ठीक हो रही है। आप देख सकते हैं कढ़ी जो है हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो चुकी है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें बूंदी डालेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और 2 मिनट इसे ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। दो मिनट बाद अब हम खोल करके देख लेते हैं, हल्का सा मिक्स कर ले। हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। इस तरह से कढ़ी को आप झटपट बना सकते हैं। इस कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल पकोड़ा कढ़ी जैसा ही होता है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी काफी इजी है। इस कढ़ी को गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं। आसान और झटपट रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।